हेलो गाइस, अनुभास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी सितंबर में बारिश के बाद आप लोगों को अपने गार्डन में कौन कौन से मेन और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने हैं। मैं आज आधा मैंने कर लिया है और आधा अभी आप लोगों को मैं शेयर करूंगी कौन कौन से ऐसे बहुत ही ज़रूरी काम है सितंबर में बारिश के बाद, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है। बरसात तो लगभग ख़त्म हो चुकी है, हर जगह जो है आपके लगभग बारिश ख़त्म हो चुकी है। तो बरसात के बाद हमें कौन से ऐसे ज़रूरी काम करना है जो कि हमारे गार्डन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और अगले महीने मतलब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएगी अक्टूबर से, तब तो ये काम नहीं कर पाएंगे, तो अभी करना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम बहुत ही अच्छे मतलब मौसम है, इस मौसम में अगर आप करना चाहते हो तो वो काम ज़रूरी कर लीजिए गार्डन में। सबसे पहले जो है ये हम गार्डनर्स के लिए जो हर मौसम में अलग अलग तरह की मतलब देखभाल की ज़रूरत होती है हमारे प्लांट्स को, हमारे गार्डन को, तो इसलिए जो है ये जो मौसम है आपका सितंबर का, बारिश ख़त्म हो गई है, उसके बाद जो है बहुत ही मतलब हर जगह तो बारिश मतलब हो रही है, कहीं कहीं पे हमारे यहाँ पे भी डेली बारिश हो जाती है, तो दो दिन से बारिश नहीं हुई है, आज बहुत धूप निकली है, तो मैंने सोचा कि ये ज़रूरी काम कर लूँ। सबसे पहले जो हम गार्डनर्स टेरिस पे गार्डनिंग करते हैं, जो मतलब आपके ग्राउंड में करते हैं उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जो टेरिस पे गार्डनिंग करते हैं सबसे पहले अपने जो टेरिस है छत है उसकी देखभाल के लिए बहुत ही ज़रूरी काम है। जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाती है, धूप निकल आती है, तो जितने भी हमारे गमले थे मतलब गमले हैं उन गमलों को इस तरह से निकाल के धूप में सुखा दिया। मैंने तो आज यही किया सारा दिन, सारे मतलब जितने भी गमले थे सबको हटा कर झाड़ू लगा दिया, अच्छी तरह से सुखा दिया है छत को, जिससे कि मतलब डैमेज ना हो सके। तो इस तरह से देखिए, मैंने भी झाड़ू लगाकर अच्छी तरह से अपनी छत को सुखा दिया है, क्योंकि इतने दिन से लगातार बारिश हो रही थी, छत सूख नहीं पा रहा था। इस तरह से देखिए, इस तरह से कई अभी भी मतलब जो है आपका गीलापन बना हुआ है, तो इस तरह से मैंने छत को झाड़ू लगाकर अच्छी तरह से सुखा दिया है और प्लांट्स की जो सेटिंग है वो भी चेंज कर दिया है। तो आप लोगों को भी ये ज़रूर करना है अपने छत के लिए, अपने टेरेस के लिए, जिससे कि आपकी जो छत है वो डैमेज ना हो। जितने भी गमले हैं इनको हटा के अच्छी तरह से आप निकाल के झाड़ू लगा दीजिए और सुखा दीजिए। उसके बाद क्या करना है चलिए बताती हूँ। फूल जो है खिल जाते हैं, उसके बाद ये सूख जाते हैं, तो उनको भी कट करके फेंकना पड़ता है, तो प्लांट्स के कुछ पत्ते जो है पीले हो जाते हैं, सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, और प्लांट्स के जो मतलब इस तरह से आपके जो है प्लांट के ये जो है आपके खरपतवार निकल आते हैं, तो इनको साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे प्लांट्स ये आपके हैं तो इनको मैं इस तरह से अच्छी तरह से देखिए, जितने भी मतलब सूखे पत्ते होंगे इनको मैं निकाल दूंगी अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या क्या केयर करना है आपको प्लांट्स के साथ, मतलब क्या जिससे कि आपके प्लांट्स हेल्दी बने रहे, क्योंकि बारिश की वजह से लगातार बारिश की वजह से प्लांट जो है सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, कई तो सूख जाते हैं, सूख से मर भी जाते हैं, तो उनको किस तरह से मतलब आपको केयर करना है बरसात ख़त्म होने के बाद। लगातार बारिश हो रही है कई जगह पे, तो अभी भी बारिश हो रही है और यहाँ पे भी बारिश लगातार हो ही जाएगी, हमारे यहाँ भी अक्टूबर के साथ साथ मतलब लगता है बारिश होगी, अभी भी बारिश ख़त्म नहीं हुई है। तो आज मौसम अच्छा है, धूप बहुत तेज़ निकली है, तो मैंने सोचा कुछ काम कर लूँ, फिर बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर कुछ काम नहीं होगा, तो इसलिए जो है जितने भी आपके सूखे पत्ते हैं इनको काट कर फेंक दीजिए। उसके बाद जो है ये खरपतवार होते हैं इनको भी निकाल देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, नहीं तो ये प्लांट्स की जो एनर्जी है सारा यही ले लेते हैं। इनको भी साफ़ सुथरा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बीज गिरते रहते हैं, बीज गिर के देखिए इस तरह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स निकल आते हैं इस तरह के। तो जो है बरसात ख़त्म होने के बाद थोड़े से काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है, आप लोग भी कीजिएगा जैसे ही बरसात ख़त्म होती है, क्योंकि बरसात के टाइम तो कुछ काम कर नहीं पाते हैं, बहुत ही ज़रूरी होता है इस तरीके से। तो आप लोगों से मैंने सोचा कि शेयर कर लेती हूँ मैं भी। तो देखिए जो गमले हटा के इस तरीके से लगातार बारिश होने की वजह से छत जो है हमारी ऐसे गीली बनी रहती है, इसलिए इन पर भी धूप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने जो है देख सकते हो, मैंने जो गार्डन का हाल देख सकते हो, ये सारे मैंने इधर से सारे गमलों को मैंने इधर कर दिया है, धूप भी लगती रहेगी और छत पे भी धूप लगेगी और सूखता रहेगा, छत भी ख़राब नहीं होगी इस तरीके से। तो इसके साथ और भी कुछ काम करना बहुत ही ज़रूरी है, आप लोगों से मैं वो भी शेयर करूँगी, इसकी केयर कैसे करना है, कौन सा खाद डालना है, और बहुत ही ज़रूरी काम क्या है आप लोगों से शेयर करूँगी। वीडियो में बने
उसके बाद जितने भी आपके प्लांट्स है, जितने भी प्लांट्स में इस तरह से देखिए पत्ते आपके पीले पड़ गए हैं और फूल जो है सूख के झड़ गए हैं, गिर रहे हैं इस तरह से, तो अपने प्लांट्स में जो है ये फंगस क्रिएट करेगा, इसलिए इनको फेंक देने अच्छा है। तो जितने भी आपके प्लांट्स हैं सभी को इसको साफ़ सुथरा कर लीजिएगा। इस तरह से गमले में जो है फूल खिले हुए गिर गए हैं, पत्ते जो है आपके आधे गल गए हैं बारिश के कारण, इस तरह से इनको अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लीजिए ताकि ना फंगस आपके क्रिएट हो, क्योंकि इस तरह से गल जाते हैं, बारिश में लगातार हो रही थी इस वजह से ये हो रहा था। उसके बाद गमले की जो मिट्टी है आपकी, इनको अच्छी तरह से गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से क्या होगा, आपके जो मतलब ये दलदला सा बना हुआ है या फिर पानी जमा हुआ है, सॉइल मतलब बहुत ही ज़्यादा गीला है, तो ये सूख जाएंगे फटाफट से, और जो है आपका इसमें जो है एयर सर्कुलेशन भी होता रहेगा और जो रूट्स है वो भी हेल्दी बने रहेंगे। नहीं तो ज़्यादा पानी के कारण इसके जो मतलब रूट्स है वो गलने लगेंगे, ख़राब भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप सभी गमलों में जो है इस तरीके से गुड़ाई निराई करना बहुत ही ज़रूरी है, और जो खरपतवार है उनको भी निकाल फेंकना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से हर एक गमले को आप कर लीजिएगा। उसके बाद प्लांट में अगर कोई फूल सूखा हुआ इस तरह से तो उसको भी काट कर फेंक दीजिएगा ताकि नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाके, क्योंकि ये मौसम जो है बहुत ही अच्छा मौसम होता है, न्यू ग्रोथ स्टार्ट होते हैं, आपके जो प्लांट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो देख सकते हो इस तरह से बहुत ही घना बन गए जो मेरे गुलाब के हैं, सभी में न्यू ग्रोथ भी आ रहे हैं और इस तरीके से जो है ये घना बना हुआ है। अगर आपका कोई भी प्लांट्स इस तरह से जो है बहुत ही ज़्यादा लैगी हो गए, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इस मौसम में जो है आप इनको शेप भी दे सकते हो और बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से इनकी जो है न्यू ग्रोथ भी ला सकते हो, क्योंकि बारिश के कारण जो है नाइट्रोजन मिलने के कारण हमारे जो प्लांट्स हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब घने हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी जो है रूट्स निकल मतलब जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाते हैं। इस वजह से देखिए पूरे उसमें जंगल सा फैला हुआ है। अगर आप चाहते हो इनकी कटिंग करना तो कटिंग भी कर सकते हो, इनकी जो है हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। इस समय जो है आपका बहुत ही अच्छा मौसम है, जो ज़्यादा आपके लंबे हो गए ब्रांचेस उनको कट करके इस तरह से फेंक सकते हो ताकि ये मतलब ज़्यादा फैले ना। इस समय जो है आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये जो मौसम होता है बहुत ही अच्छा, इनके जो ग्रोथ पीरियड होते हैं बहुत ही अच्छा होता है, ह्यूमिडिटी बनी हुई है और आपके मॉइस्चर भी, क्योंकि रात को जो है बहुत ही मतलब मौसम चेंज हो गया, इस वजह से ठंडक सी पड़ने लग गई है, अगले महीने से तो ठंड चालू हो जाएगी। तो इस टाइम अगर ये काम कर लेते हो तो आपके सर्दियों में भी फूल खिलेंगे, न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप कटिंग करते हो। हमारे कई ऐसे प्लांट हैं जिनके देखिए शीट्स से बन गए हैं, तो उनको भी कट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो लंबे लंबे लगी लगी से हो गए हैं इनको भी अगर कट कर देते हो तो इससे भी जो है न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और ये जो है आपका ये घना होता जाएगा प्लांट जो है, और बहुत ही मतलब हेल्दी बना रहेगा। उसके बाद हमारे जो प्लांट्स हैं बारिश के कारण बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रॉमा से गुजरे हैं, इसलिए जो है इनकी जो देखभाल बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपके प्लांट में इस तरह से मतलब कोई खरपतवार है उसको हटा के गुराई करके अच्छी तरीके से, उसके बाद आप कोई भी फंगीसाइड डाल दीजिए इनकी जड़ों में, जैसे कि कोई फंगस वगैरह लगा हो, कोई कीड़े वगैरह हो, कोई भी आपके मतलब रूट्स में आपके फंगस हो, तो उससे जो है आपके अगर आप फंगीसाइड डाल देते हो, नीम खली डाल देते हो, या फिर कोई भी मतलब आपके पास कुछ भी हो जिससे कि आपके कीड़े मकोड़े ना लगे, तो उसको आप आपके जो सॉइल है उसमें डाल सकते हो इस तरीके से। तो देखिए मैंने जो बारिश के बाद सभी उसमें सभी प्लांट में जो है मैंने ये जो है साफ फंगीसाइड डाल दिया है। ये करना बहुत ही ज़रूरी है बारिश के बाद आपके, क्योंकि ये बारिश के बाद जो है कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आक्रमण कर देते हैं लगातार बारिश की वजह से, तो इनको जो है आपके प्लांट्स को सेफ करने के लिए इस तरीके से करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हमारे जो मतलब प्लांट्स हैं जिसको आपको खाद देने की ज़रूरत है उसमें आप खाद दे सकते हो, और जो हमारे बारिश के कारण जो है जिसमें जो न्यूट्रिशंस निकल गए हैं उसके वजह से इस टाइम ये जो टाइम है बहुत ही अच्छा है, इस टाइम आप खाद दे सकते हो ताकि अगले महीने ऐसा से आपकी जो गार्डन है उसमें फूलों की बहार आ सके। तो मैंने तो खाद डाल दी है, तो आपको ज़्यादातर जो है कौन कौन से मतलब खाद देना बहुत ही ज़रूरी है
टाइम जो है आपको आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस और जो है पोटाश ज़्यादा देने की ज़रूरत है आपके प्लांट्स को, क्योंकि नाइट्रोजन जो है हमारे बारिश के कारण नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मिल गई हमारे प्लांट्स को। इसलिए जो देखियो ग्रोथ हो गए बहुत ही अच्छा, मतलब उनकी जो है बहुत ही मतलब घना हो गए, ग्रोथ हो गए, बहुत ही हेल्दी हो गए। लेकिन ये जो है आपका ये खाद देना बहुत ज़रूरी है आपके फूल आने के लिए। कलियाँ झड़ रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं और फंगस लग रहे हैं, इसलिए ये खाद और ये आपका फंगिसाइड देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आप चाहो तो किसी भी प्लांट जो आपके मतलब फूल फल नहीं आ रहे, ग्रोथ नहीं हो रही है किसी तरह से भी, तो आपके जो मतलब रूट बॉन्ड हो गए उस तरीके से आप अपनी मतलब इस टाइम जो है रूट बॉन्डिंग जो प्लांट है उनको रिपोर्ट भी कर सकते हो और रूट्स की जो है हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही मतलब मौसम अच्छा है इस टाइम, जो आप अगर करते हो रूट की हार्ड प्रूनिंग तो आपके जो प्लांट्स है अच्छी ग्रोथ हो जाएगी उनकी भी, मैंने तो कर लिया है। उसके बाद अगर आपके प्लांट में किसी भी प्लांट में बारिश के बाद देखिए इस तरह से जो है फंगस लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और जो है मिलीबग लग जाते हैं, या फिर देखिए पत्ते मुड़ने की समस्या हो जाती है, ये जो है कीड़े खाए हुए कीड़ों की वजह से हो गए, ये जो है देख सकते हो आप इस तरह से हो जाते हैं सभी के उसमें लगातार बारिश के कारण ये प्लांट्स जो है हमारे ख़राब होने लगते हैं। तो इनको भी 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार जो है आपके नीम ऑयल स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप लोगों से मैं शेयर करूँगी मैं कौन से मतलब वो स्प्रे करूँगी। तो देखिए मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है, उसके बाद जो है ये नीम ऑयल है तो 1 चम्मच के करीब मैंने नीम ऑयल ले लिया। उसके बाद क्या मिक्स करती हुई देखिए सभी प्लांट्स में जो है आपको इस टाइम स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बारिश के बाद जो है फंगस लग जाते हैं आपके प्लांट्स में किसी भी तरह के मतलब हो, चाहे आपके चाहे मिलीबग हो, चाहे आपके जो मुड़ने वाली समस्या होती है वो होती है स्पाइडर कोई भी हो। उसके बाद जो है ये साफ फंगिसाइड है 1 चम्मच मैं ये ले लूँगी, क्योंकि जो इस टाइम जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला देना बहुत ही ज़रूरी है। आपके प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो ख़राब हो रहे हैं या फिर फंगस लग रहे हैं, मिलीबग लग रहे हैं, खासकर तो जो आपके गुड़हल होते हैं उसमें जो है मिलीबग की समस्या तो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है मैं जो है 1/2 चम्मच के करीब जो है ये आपका हैंड वॉश ले लूँगी, कोई भी आप हैंड वॉश ले सकते हो, शैम्पू ले सकते हो, डिश वॉश ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जिससे कि जो है आपके ये जो नीम ऑयल है ये घुलता नहीं है पानी के साथ। तो इसको घोलने के लिए हमें डिश वॉश या हैंड वॉश कुछ भी डाल सकते हो, या सर्फ डाल सकते हो, कुछ भी डाल लो अच्छी तरीके से ये घुल जाता है। तो देख सकते हो इस तरह से ये घुल जाता है। तो स्प्रे बोतल में भर लेती हूँ मैं, तो देखिए मैं स्प्रे बोतल में इस तरह से भर लेती हूँ, क्योंकि ये 15 दिन में एक बार अगर इस तरह से स्प्रे करते हो आपके प्लांट्स हेल्दी बने रहेंगे, कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और जो है आपके मतलब कोई भी समस्या नहीं आ पाएगा इस तरह से आप स्प्रे करते हो। तो देखिए इस तरीके से आप हर एक प्लांट पर, किसी भी प्लांट पर आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि ये जो है आपके कीड़े मकोड़े किसी भी प्लांट में लग सकते हैं बारिश की वजह से। पूरे मतलब जो प्लांट है इसको अच्छी तरह से पत्तियों के पीछे जो छुपे होते हैं कीड़े मकोड़े उनको भी अच्छी तरीके से इस तरह से घुमा घुमा कर अच्छी तरह से निहला दीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे प्लांट्स को इस तरीके से आप निहला दोगे। उसके बाद अगर आप चाहते हो कटिंग लगाना तो कटिंग भी लगा सकते हो इस समय, क्योंकि ये मौसम जो है बहुत ही अच्छा, कोई भी कटिंग लगा लो, जितने भी आप प्लांट की कटिंग जैसे ही प्रूनिंग करते हो उसकी कटिंग बच जाते हैं वो फिर से लगा दो, फिर से आपके जो है प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। और ख़ासकर ये सर्दियों के जो फूल अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे उसकी कटिंग भी लगाना शुरू कर दोगे, उसकी केयर भी करना ज़रूरी हो जाता है। ये जो प्लांट्स है आपके सर्दियों में फूल देते हैं गुलदाउदी के जो है, अभी आप देखभाल करोगे अच्छी तरह से, इनके जो खाद व पानी दोगे और केयर करोगे तो देख सकती हो मेरे जो ये है गुलदाउदी के मैंने कटिंग से तैयार की इसको, तो देख सकते हो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई। और ग्रो बैग में लगा रखा है मैंने, नर्सरी बैग जो है उसमें लगा रखा है मैंने। तो इस तरीके से इसकी मतलब अगर केयर करते हो तो अगले महीने से ही आपके जो है फूल के लिए आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आप अगर चाहो तो सब्जियों के बीज भी लगा सकते हो इस समय, जो है आप कटिंग लगा सकते हो, बीज लगा सकते हो इस समय जो है बहुत ही अच्छा मतलब मौसम होता है ये, कोई भी सब्जियों के लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, या फिर कटिंग लगाना चाहते हो कटिंग भी लगा सकते हो।
और बारिश के बाद जितने भी आपकी धूप निकले, धूप में डालना ज़रूरी है। ये जो आपके प्लांट्स हैं, खासकर ये जो गुलाब के है ये अगले महीने से आपके जो है इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अभी से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, फिर भी इसकी जो है आप चाहो तो छोटी मोटी इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हो, क्योंकि जो है अक्टूबर से इसकी जो है ग्रोथ पीरियड बहुत तेज़ी से हो जाती है। और अगले सो महीने हैं अक्टूबर से ही हम लोग गुलाब की जो है हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने से है उसमें एक अच्छी ग्रोथ होती है और फूल फलों की मात्रा भी बहुत ही अच्छी होती है। तो इसलिए जो गुलाब की अगर आप चाहो तो सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हो और इसकी जो साफ़ सफाई जो है करना शुरू कर दीजिए, और इनको भी नीम ऑयल स्प्रे करना शुरू कर दीजिए ताकि नए नए ग्रोथ जो आए हैं उनको सेफ रख सके। तो गाइस ये थे कुछ ज़रूरी काम सितंबर में बारिश ख़त्म होने के बाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए, और न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू।